हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल ए के क्वेश्चंस को, जिसका एग्जाम हुआ था 2019 में। ओके, 2019 में 4th नवंबर को जो एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसके क्वेश्चंस को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज का जो पार्ट वन है वो आ चुका है, उसके बाद आज का जो सेशन है वो होगा पार्ट टू का। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में कहा है, डीजल पावर स्टेशन हैज फ्यूल कंजम्पशन ऑफ 0.28 केजी पर किलोवाट आवर, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बीइंग 10,000 किलो कैलोरी पर केजी, डिटरमिन द ओवरऑल एफिशिएंसी। यहां पर क्या गिवन है, डीजल पावर स्टेशन का जो फ्यूल कंजम्पशन है पर किलोवाट आवर एनर्जी के लिए, यानी कि वन यूनिट ऑफ एनर्जी अगर वो जनरेट करेगा, जो पावर स्टेशन है वो अगर वन यूनिट ऑफ एनर्जी वो जनरेट करेगा, उसके लिए वो कंज्यूम करता है 0.28 केजी का फ्यूल। ओके, और जो फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 10,000 किलो कैलोरी पर केजी, तो हमें ओवरऑल एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप देखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वन किलोवाट आर ये जो एनर्जी होती है, इसको यदि मैं किलो कैलोरी के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 860 किलो कैलोरीज, 860 किलो कैलोरीज। ओके, और यहां पर जो फ्यूल कंजम्पशन है वो है 0.28 केजी पर किलोवाट आवर, यानी कि वन यूनिट ऑफ एनर्जी को जनरेट करने के लिए 0.28 केजी का फ्यूल ये कंज्यूम करता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि फ्यूल कंजम्पशन दिस इज 0.28 केजी पर यूनिट। आप यहां पर यूनिट लिख लो या फिर पर किलो वॉट आर लिख लो। ओके, तो यहां पर आप क्या करोगे कि जो हमारा पावर स्टेशन है उसमें इनपुट कितना दे रहे हो वो फाइंड आउट कर लो, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो फाइंड आउट कर लो, उसके बाद आप यहां से ओवरऑल एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनपुट की बात करते हैं, जो हमारा पावर स्टेशन है उसमें जो इनपुट दिया जाएगा वो क्या है, 1 केजी फ्यूल गिव्स 10,000 किलो कैलोरी। ओके, लेकिन हम इनपुट कितना दे रहे हैं, 0.28 केजी का फ्यूल हम दे रहे हैं, तो 0.28 केजी का जो फ्यूल है वो कितनी एनर्जी देगा, इट मीन्स उतनी एनर्जी हम इनपुट दे रहे हैं, राइट। इट मीन्स ये हो जाएगा 10,000 किलो कैलोरीज मल्टीप्लाई विथ 0.28 केजी। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 0.28 है ना, सो दिस डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 2800 किलो कैलोरीज, यानी कि इतनी एनर्जी हम इनपुट दे रहे हैं, राइट। इतनी एनर्जी हम इनपुट दे रहे हैं, और इसके बाद जो हमें आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट कितना मिल रहा है, आउटपुट जो हमें मिल रहा है आउटपुट फॉर 0.28 केजी के लिए जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो कितना है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट ऑफ एनर्जी हमें आउटपुट में मिल रहा है, राइट। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी आपको आउटपुट में मिल रहा है, इट मींस यदि मैं किलो कैलोरीज में बात करूं तो 860 किलो कैलोरीज आपको आउटपुट मिल रहा है। सो आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो है 860 किलो कैलोरीज, राइट। लेकिन आपने इनपुट कितना दिया था, इनपुट आपने दिया था 2800 किलो कैलोरीज, राइट, और आपको आउटपुट मिल रहा है 860 किलो कैलोरीज। तो यहां से एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एफिशिएंसी इज व्हाट,
आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट है 860 किलो कैलोरीज डिवाइडेड बाय इनपुट है 2800 किलो कैलोरीज। 860 डिवाइडेड बाय 2800 ये हो जाएगा 30.714%। 30.714%। ऑप्शंस देख लीजिए इसका, ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन, राइट? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन में कहा है कि द ऑपरेशन ऑफ ऑल इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हमसे पूछा है। ऑप्शन ए को रीड करिए, ये क्या कहते हैं? द रिएक्शन बिटवीन द फ्लक्स फाइ वन एंड द एडी करंट्स इंड्यूस्ड इन अ मेटल डिस्क और ड्रम बाय अनदर फ्लक्स फाइ टू। फाइ टू डिपेंड्स ऑन द करंट और वोल्टेज टू बी मेजर्ड, फाइ वन इज कॉन्स्टेंट, राइट? नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी, ये कहता है द मेन फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। ऑप्शन सी में कहता है द रिएक्शन बिटवीन अ फ्लक्स फाइ वन एंड द एडी करंट्स इंड्यूस इन अ मेटल डिस्क और ड्रम बाय अनदर फ्लक्स फाइ टू। फाइ वन एंड फाइ टू आर डिपेंडेंट ऑन द करंट और वोल्टेज टू बी मेजर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑप्शन है डी, उसमें हमारा है फाइ टू कॉन्स्टेंट। यहां पर देखो, इसमें फाइ टू कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में फाइ वन कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, लेकिन ना तो फाइ वन कॉन्स्टेंट होता है ना ही फाइ टू कॉन्स्टेंट होता है, तो ऑप्शन ए हमारा रिमूव हो गया, ऑप्शन डी यहां पर रिमूव हो गया। ओके, ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। यहां पर जो ऑप्शन सी है वो होगा इसका करेक्ट आंसर, बिकॉज जो इसका स्टेटमेंट है द रिएक्शन बिटवीन द फ्लक्स फाइ वन एंड एडी करंट इंड्यूस्ड इन द मेटल बाय अनदर फ्लक्स फाइ टू, इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आप यहां पर ये ज्यूम कर लो कि दिस इज एल्यूमिनियम डिस्क ऑफ इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें दो तरह के टॉर्क आएंगे, दो फ्लक्स आएगा, दो टॉर्क आएगा, राइट? एक फ्लक्स इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक फ्लक्स है फाइ वन, राइट? एक फ्लक्स हमारा फाइ वन है और दूसरा फ्लक्स है फाइ टू। ओके, इस फ्लक्स की वजह से कुछ एडी करंट्स आएंगे इसमें, राइट? तो एक एडी करंट आएगा आई वन और दूसरा एडी करंट होगा आई टू। ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दोनों जो एडी करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट? तो एक हो गया आई वन, एक हो गया आई टू। तो जो इसमें जो टॉर्क होगा ना, दो टॉर्क होगा, एक टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा और दूसरा टॉर्क हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन में जो टॉर्क लगेगा वो डिपेंड करेगा फाइ वन इंटू आई टू पे, राइट? और दूसरे डायरेक्शन में जो टॉर्क है वो डिपेंड करेगा फाइ टू इंटू आई वन पे, राइट? तो यहां से जो ओवरऑल टॉर्क आता है, देखो ओवरऑल जो टॉर्क होगा वो डिपेंड करेगा किस पे? वो डिपेंड करेगा फाइ वन आई टू माइनस फाइ टू आई वन पे, राइट? तो यहां से ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज, एक सीरीज दिया गया है fx is equal to f0 plus x f dash 0 plus x square by factorial 2 f double dash 0 plus x cube by factorial 3 f triple dash 0 and so on up to infinity है। तो fx को हम इस फॉर्म में कब लिखते हैं, किस सीरीज का ये एक्सपेंशन है? एक सीरीज होता है फोरियर सीरीज और एक होता है मैकलोरियन सीरीज, दोनों के जैसा ही, और एक टेलर सीरीज, राइट? तीनों सीरीज हम जब देखेंगे तो फॉर्मेट लगभग लगभग सेम होता है, ओके? और खास करके टेलर सीरीज और मैकलोरियन सीरीज, इन दोनों का तो बिल्कुल ही सेम होता है, राइट? लेकिन ये जो सीरीज है वो मैकलोरियन सीरीज का है, बिकॉज यहां पर एफ एक्स को जो एक्सपैंड किया गया है वो जीरो के अराउंड इसको एक्सपैंड किया गया है, राइट? यहां पर क्या है, देखो
expansion of fx with respect to a is equal to, या फिर x is equal to 0 कर लो, x is equal to 0 के अराउंड हम इसको क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, राइट। लेकिन यदि हम टेलर सीरीज की बात करें तो वो हमारा जनरल होता है। जनरल मींस उसका जो एक्सपेंशन होगा, fx का जो एक्सपेंशन होगा वो विद रेस्पेक्ट टू a होता है, विद रेस्पेक्ट टू a होता है। तो यहां पर जहां भी आपको f 0 नजर आ रहे हैं वहां पर टेलर सीरीज में हो जाएगा एफ ए, यहां पर एफ डैश 0 है ये हो जाएगा एफ डैश ए, वो जनरल है, राइट। और मैक्लॉरियन सीरीज में क्या करता है, वो जो ए जो पॉइंट है वो ए पॉइंट को बोलता है कि ए पॉइंट इज जीरो, दैट्स इट, यही इसमें डिफरेंस है। तो यहां पर आप टेलर सीरीज को मार्क नहीं करेंगे, आप मार्क करेंगे मैक्लॉरियन सीरीज को। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एन एनर्जी मीटर with a constant of 600 revolutions per unit used for energy measurement. It makes 500 revolutions in 30 seconds. Find the energy consumed by the load for an hour. यहाँ पर जो मीटर का कांस्टेंट गिवन है, देखो मीटर कांस्टेंट, मीटर कांस्टेंट गिवन है 600 रेवोल्यूशन पर यूनिट। इट मींस जो हमारा एनर्जी मीटर है उसको यदि 1 यूनिट ऑफ एनर्जी को मेजर करना होगा तो उसका उसके अंदर का जो एल्युमिनियम डिस्क होगा वो 600 टाइम्स वो रोटेट करेगा, राइट। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी मींस व्हाट, इट मींस 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मींस व्हाट, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 1 किलोवाट पावर को कंज्यूम करने वाला कोई लोड है जो कि 1 आवर के लिए कॉन्टिन्यूस ऑन है, राइट। इसके लिए सपोज आप ऐसा करो कि जैसे एक वाटर हीटर होता है ना, 1 किलोवाट आवर का वाटर हीटर होगा, यदि आप उसको 1 आवर के लिए, 1 घंटा के लिए अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी वो लेगा, राइट। सो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी जब वो लेगा तो जो आपके घर में मीटर लगा होगा वो 600 टाइम्स रोटेट करेगा उसका डिस्क, ये इसका मतलब है। अब इसने क्वेश्चन में जो कहा है, इट मेक्स 500 रेवोल्यूशंस इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में वो 500 बार घूम जाता है, राइट। 30 सेकेंड में 500 टाइम्स, तो 1 आवर में कितने बार रोटेट करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में जो रेवोल्यूशन है वो कितने हैं, 500 रेवोल्यूशन है। सो यहां पर 1 आवर में, 1 आवर मींस व्हाट, 3600 सेकेंड्स। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 500 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 3600, कितना हो जाएगा ये, 500 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 3600 ये हो जाएगा 60,000। दिस इज 60,000, इतने टाइम्स वो रोटेट करेगा डिस्क, राइट। 1 आवर में इतनी बार वो रोटेट कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द एनर्जी कंज्यूम बाय द लोड, 1 घंटा में कितना, बाय द लोड फॉर एन आवर, 1 घंटा में कितना वो एनर्जी कंज्यूम करेगा जो हमारा लोड है वो। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अगर वो 600 रेवोल्यूशन किया होता तो 1 यूनिट लेता, 60,000 रेवोल्यूशन कर रहा है तो कितना यूनिट लेगा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए क्या करेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 600, कितना हो जाएगा, 100 यूनिट।
इट मींस ये क्या हो जाएगा, 100 यूनिट्स। ओके 100 यूनिट्स। ऑप्शंस कौन से सही होंगे? ऑप्शन बी में है 100 यूनिट्स, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। कंसिडर अ सिस्टम, एक सिस्टम दिया गया है और हमसे पूछा है कि द सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सिस्टम है ये कॉजल है, मेमोरीलेस है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, स्टेबल है या फिर अनस्टेबल सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, किस तरह का यह सिस्टम है। पहली बात आप यहां से देखो कि दिस इज इनपुट, जो एक्स टी गिवन है, व्हाट इज दिस, दिस इज इनपुट, एक्स टी हमारा इनपुट है। हमने इस सिस्टम में एक इनपुट दिया है एक्स टी और उसका जो आउटपुट आ रहा है, दिस इज आउटपुट वाई टी ना, दिस इज आउटपुट, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो कितना है, वो इनपुट में कॉस ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करके दे रहा है, राइट। दिस इज आउटपुट, राइट। आउटपुट इज व्हाट, आउटपुट इज इनपुट इनटू कॉस ओमेगा टी। यहां पर एक मल्टीप्लायर लगा हुआ है सिस्टम के अंदर जो कि कॉस ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट दे रहा है। अब आप देखो कि जो कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी क्या वो बाउंडेड सिग्नल है, तो हाँ बिल्कुल ये बाउंडेड सिग्नल है। कॉस ओमेगा टी को यदि आप ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा होता है, दिस इज कॉस ओमेगा टी, राइट। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो प्लस वन और माइनस वन के बीच में वो वेरी करता है, राइट। प्लस वन माइनस वन के बीच में ही रहता है वो, राइट। यानी कि ये बाउंडेड है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बाउंडेड है, वो वन से ज्यादा नहीं होगा और माइनस वन से कम नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा, राइट। तो ये बाउंडेड सिग्नल है। अब इस बाउंडेड सिग्नल में अगर आप किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बाउंडेड सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा इनपुट है, सपोज हमने बाउंडेड इनपुट दिया है, बाउंडेड इनपुट दिया है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड भी बाउंडेड ही है, कोई इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू नहीं आने वाली है इस इनपुट की, सो बाउंडेड इनपुट है। और जो आउटपुट है, आउटपुट हमारा क्या होगा, ये जो कॉस ओमेगा टी है इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है एक सिग्नल एक्स टी को, दिस सिग्नल इज एक्स टी इनपुट सिग्नल, और हमने मान लिया है कि एक्स टी भी जो हमने इसको दिया है सिस्टम को, वो हमारा बाउंडेड सिग्नल है। तो बाउंडेड सिग्नल है, सपोज दिस इज इसका, इसकी वैल्यू है 5, कोई भी बाउंडेड सिग्नल ले लो, तो इसका जो आउटपुट आएगा ना, आउटपुट भी बाउंडेड आएगा। आउटपुट कैसा आएगा, बाउंडेड आएगा, राइट। तो बाउंडेड इनपुट है उसके लिए आउटपुट बाउंडेड आ रहा है, इट मींस बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल सिस्टम है ये। क्या है ये, स्टेबल सिस्टम है। ऑप्शन ए में देखो, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल सिस्टम। उसके बाद बात होती है कि ये कॉजल सिस्टम है, मेमोरीलेस सिस्टम है, राइट। तो बिल्कुल ये कॉजल सिस्टम है, कॉजल सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि अगर आप इसमें टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कुछ इनपुट डाल रहे हैं, इस सिस्टम में टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपने कुछ इनपुट डाल दिया है, राइट, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा इस सिस्टम में, आउटपुट वाई टी जो आपको मिलेगा, वो आपको टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ही मिलने वाला है। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो आपने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आउटपुट आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, यानी कि फ्यूचर में जो आप इनपुट देने वाले हैं उसकी वजह से आउटपुट यहां पर पहले नहीं मिलने वाला है, राइट। तो इस तरह का सिस्टम हमारा कॉजल सिस्टम कहलाता है, सो ये सिस्टम हमारा कॉजल भी होगा। उसके बाद है मेमोरीलेस है क्या, बिल्कुल ये मेमोरीलेस है। मेमोरीलेस कहने का मतलब है कि इस सिस्टम का जो आउटपुट है वो पास्ट में क्या आउटपुट आया था उससे इसके प्रेजेंट आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओपन लूप सिस्टम में आप देख रहे हो कोई फीडबैक वगैरह नहीं है, तो यानी कि आउटपुट पहले क्या आया था, आप इसको ऐसा समझो कि अगर हमने टी इज इक्वल टू 0 पर कुछ इनपुट दिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट आया है टी इज इक्वल टू 0 पर, वाई टी की वैल्यू आई है कुछ टी इज इक्वल टू 0 पर।
उसके बाद t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर अगर हम इसमें कुछ इनपुट दे रहे हैं तो उस इंस्टेंट पर जो आउटपुट आएगा वो 1 सेकेंड के इनपुट के अकॉर्डिंग ही आएगा। उससे पहले जो आउटपुट आ चुका था yt at t इज इक्वल टू 0, उससे अभी के प्रेजेंट इनपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? क्योंकि यहां पर कोई भी फीडबैक लगा हुआ नहीं है, है ना? तो ये जो सिस्टम है ये कहलाएगा मेमोरीलेस सिस्टम, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का होगा करेक्ट आंसर। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द ग्रेडियंट ऑफ द ग्रेडियंट इज अ डैश डिफाइंड फॉर इच पॉइंट इन अ डैश फील्ड। ग्रेडियंट के बारे में हमें बताना है कि ये वेक्टर है या फिर स्केलर है, और फिर किस फील्ड, किस तरह के फील्ड में हम इसको डिफाइन करते हैं, राइट? ये है। तो यहां पर जो हमारा ग्रेडियंट हो जाएगा, ग्रेडियंट ये क्या होता है, एक फंक्शन हमने सपोज ले लिया कि फाई, एक फंक्शन है फाई जो कि फंक्शन होगा सपोज एक्स वाई जेड, इसका फंक्शन है ये फाई। तो इसका यदि हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करना चाहें, ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है डेल फाई, एंड दिस इज इक्वल टू कर्ली अपॉन कर्ली एक्स फाई आई कैप प्लस कर्ली अपॉन कर्ली वाई फाई जे कैप प्लस कर्ली अपॉन कर्ली जेड फाई के कैप। ये होता है ना ग्रेडियंट। एंड व्हाट इज दिस फंक्शन, दिस फंक्शन इज स्केलर। ये जो स्केलर फंक्शन है यहीं पर हम डिफाइंड करते हैं ग्रेडियंट को, राइट? तो ग्रेडियंट हमारा डिफाइन होगा स्केलर फंक्शन के लिए, स्केलर फंक्शन के लिए आप इसको डिफाइन करते हो, और जो आप ग्रेडियंट को फाइंड आउट करते हो उसको आप देखो कि उसमें डायरेक्शन भी है, आई कैप जे कैप के कैप, राइट? इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी है, इट मींस ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, राइट? तो आप क्या लिखोगे यहां पर, ग्रेडियंट इज अ वेक्टर, ग्रेडियंट इज अ वेक्टर डिफाइंड फॉर ईच पॉइंट इन अ स्केलर फील्ड, राइट? ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा थीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है करंट का स्क्वायर, जिस करंट को आप मेजर करना चाहते हैं, जो करंट आप इसके क्वायल में एंटर कराएंगे उसके स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इसका डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर, राइट? ये सिमिलरली उसके जैसा होता है जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, एम आई इंस्ट्रूमेंट, राइट? एम आई इंस्ट्रूमेंट में भी ऐसा ही होता है कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, फाइंड v3 एंड इट्स पोलैरिटी इफ द करंट i इज इक्वल टू 0.4 एम्पीयर इन द गिवन सर्किट। वेट अ सेकंड, v3 को फाइंड आउट करना है, ये है v3, इसको फाइंड आउट करना है, और जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है सर्किट में वो गिवन है 0.4 एम्पीयर। आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर मैश एनालिसिस को अप्लाई करना है, अप्लाई मैश एनालिसिस, यहां पर मैश एनालिसिस को अप्लाई करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं, चलिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट,
राइट, यानी कि इस डायरेक्शन में हम चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो, फर्स्ट आया है वोल्टेज राइज, वोल्टेज राइज आया है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉजिटिव। आप चाहो तो जो इसका कन्वेंशन है वो आप रिवर्स भी ले सकते हो, आप इसको उल्टा ले सकते हो, वोल्टेज राइज को आप नेगेटिव भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस, राइट। मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 50। उसके बाद 5 ओम का रेजिस्टर है, इसमें करंट फ्लो करता है I, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 × I, और होगा यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, तो ड्रॉप होगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस, -5 × I। उसके बाद देखो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -10। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें आते हैं, 20 ओम का रेसिस्टर है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा -20 I। उसके बाद यहां पर देखो, ये जो हमारा वोल्टेज V3 है, इसकी पोलैरिटी गिवन नहीं है, तो मैं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं कि जो हमारा बी टर्मिनल है इसका, ये होगा पॉजिटिव और ए टर्मिनल होगा नेगेटिव। मैंने इसको ऐसा एज्यूम किया है, राइट, ऐसा हमने इसको एज्यूम किया है, तो यहां पर हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज कितना होगा V3, तो यहां पर मैं लिखूंगा -V3 इज इक्वल टू वॉट, 0। दिस इज मेश एनालिसिस। सो यहां से हम क्या करेंगे कि जो आई है, आई की वैल्यू है 0.4, यहां पर हम लिखेंगे 50 माइनस जो रेजिस्टर है वो है 20I + 5I, यानी कि ये हो जाएगा 25 × I -10 इज इक्वल टू वॉट, V3, राइट। यहां से हम लिखेंगे 50 - 10 यानी कि 40 - 25 × I यानी कि 25 × 0.4, ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ना, तो V3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। V3 इज इक्वल टू 30 वोल्ट। ओके, अब V3 की वैल्यू तो 30 वोल्ट आ गई है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों में गिवन है 30 वोल्ट, लेकिन मार्क किसको करना है, 30 वोल्ट हमारा है जिस तरीके का मैंने इसमें पोलैरिटी मार्क किया था उसके अकॉर्डिंग हमें आया है 30 वोल्ट। तो हमने जो पॉजिटिव मार्क, जो हमने पोलैरिटी इसका मार्क किया था वो क्या था कि बी बी पॉइंट जो था, बी नोड जो था वो था पॉजिटिव, और जो ए ए पॉइंट था वो था नेगेटिव, राइट। तो यहां पर ऑप्शंस को देख लीजिए आप, ऑप्शन ए में कहा है कि V3 इज इक्वल टू 30 वोल्ट, टर्मिनल बी इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू टर्मिनल ए, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड द एवरेज लोड वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर सर्किट इफ द डिवाइस इज स्विच्ड ऑन एट अल्फा एंगुलर एंगल। अल्फा पर इस थायरिस्टर को ऑन किया जाता है, एक थायरिस्टर यहां पर कनेक्टेड है, दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है ये, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। इन केस ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर जो आउटपुट का एवरेज वोल्टेज होगा वो क्या होता है, Vm/2π × 1+cos α, ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट एवरेज वोल्टेज ऑफ द सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, एक्चुअली जो जो इसका फॉर्मेट होता है आउटपुट एवरेज वोल्टेज का, वो हो जाएगा क्या, वो होता है Vm/T0 1+cos ऑफ लोअर लिमिट, ऐसा इसका फॉर्मेट होता है, आउटपुट इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है। यहां पर जो टी नॉट है वो है टाइम पीरियड, यहां पर जो टी नॉट है वो टाइम पीरियड है, तो जब मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड यहां पर कितना हो जाएगा, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है, रेसिस्टिव लोड है, राइट, हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो इसका जो जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 2π, और यहां पर जो लोअर लिमिट है यानी कि वेवफॉर्म जहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कहां से होगा, अल्फा पर हमने इसको ट्रिगर किया है ना, तो एल की वैल्यू हो जाएगी अल्फा, इसीलिए हमने कहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा, आउटपुट एवरेज वोल्टेज वो कितना हो जाएगा, Vm/2π 1+cos ऑफ α। ऑप्शंस देख लीजिए, 40 नंबर ऑप्शन देख लीजिए, इसमें 1+cos ऑफ α,
तीन ऑप्शन हैं बी सी डी। इसमें देखिए ऑप्शन बी को देखिए, बी ऑप्शन को, इसमें क्या है वी आर एम एस अपॉन पाई इंटू रूट टू। यहाँ पर देखो जो मैंने बताया है वी एम मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज को आप क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज को आप लिखेंगे रूट टू इंटू आर एम एस वोल्टेज, राइट। आप ऐसा लिख सकते हैं ना। सो इसको जब आप रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन आपका क्या बनेगा, आउटपुट एवरेज वोल्टेज ये हो जाएगा रूट टू इंटू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय टू इंटू पाई वन प्लस कॉस अल्फा, राइट। इसको जब यहां से कैंसल आउट करेंगे तो यहां पर बच जाएगा रूट टू। इट मीन्स जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा ये हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन रूट टू पाई वन प्लस कॉस अल्फा। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, रीड करिए इसको। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कर्व्ड लाइन, इच डिफरेंशियल चार्ज डी क्यू अलॉन्ग द लाइन प्रोड्यूस अ डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जो डिफरेंशियल चार्ज है वो कितना है, डी क्यू है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ना, के और क्यू जो हमारा चार्ज है वो क्या है, डी क्यू है अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी होगी, के की वैल्यू यहां पर हो जाएगी वन अपॉन फोर पाई, वेट, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, राइट। ये हो जाता है के, यदि जो चार्ज है वो अगर एयर में रखा हुआ है, राइट, अगर एयर में रखा हुआ है तो इन केस ऑफ एयर जो एप्सिलॉन हो जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। और जब हम इसमें वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन में एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे तब जो के की वैल्यू आती है वो आती है 9 × 10⁻¹, राइट। तो के की वैल्यू जो हम ये यूज करते हैं 9 × 10⁹, वो सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं हम एयर के केस में, एयर हो वैक्यूम हो या फिर फ्री स्पेस गिवन हो वहां पर ही हम यूज करते हैं के की इस वैल्यू को, क्योंकि इस केस में जो हमारा एप्सिलॉन आर होता है इसकी वैल्यू होती है 1, राइट। तो एप्सिलॉन की जगह पर हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एयर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस इसके अलावा कोई और मीडियम हो तो फिर हम के की वैल्यू ये यूज नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना, राइट। के की वैल्यू कांस्टेंट होती है लेकिन एक मीडियम के लिए ही कांस्टेंट होती है, अगर आपने मीडियम को चेंज कर दिया तो के की वैल्यू हमारी यहां पर कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। ओके, खैर इस क्वेश्चन पे आते हैं। जो डीई हो जाएगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन दिस इज फोर पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर और दिस इज ए आर, राइट, एयर गैप। ऑप्शंस ए, ऑप्शंस को देख लीजिए ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फाइंड द कोफैक्टर ऑफ बी थ्री इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स डेल्टा। एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें एक एलिमेंट है बी थ्री, वेर इज बी थ्री, वेट अ सेकेंड, बी थ्री कहाँ है, ये है बी थ्री, दिस इज बी थ्री। बी थ्री के लिए हमें यहां पर कोफैक्टर को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, देखो जो हमारा मैट्रिक्स है ए वन बी वन सी वन, इसके एलिमेंट्स हैं ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये है हमारा मैट्रिक्स, राइट। इसमें बी थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कोफैक्टर को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ये रो है बी थ्री कौन से रो में है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो थर्ड रो को हम यहाँ पर हाइड कर लेंगे, थर्ड रो हमारा हाइड हो जाएगा,
उसके बाद जो हमारा सेकेंड कॉलम है ये हाइड हो जाएगा। ओके, तो यहां पर जो एलिमेंट बच गया है वो क्या है, A1, C1, A2, C2, राइट। तो ये हो जाएगा माइनर, है ना, जो डिटरमिनेंट होगा इसका A1, C1, A2, C2, ये हो जाएगा माइनर, माइनर फॉर B3, B3 के लिए ये होगा माइनर। और देखो ऑप्शन ए में गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ A1, C1, A2, C2 का डिटरमिनेंट गिवन है, लेकिन इसको मार्क नहीं करना क्योंकि ये है माइनर। हमें फाइंड आउट करना है कोफैक्टर। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, -1 to the power i + j, जो जिस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना होता है वो उसका रो नंबर कितना है, उसका कॉलम नंबर कितना है। रो नंबर मींस i की वैल्यू कितनी है, और जो कॉलम नंबर मींस उसका जो j की वैल्यू कितनी है, राइट। इन दोनों को ऐड करके -1 to the power कर दोगे। ओके, इसके बाद इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है माइनर को, तब ये होगा इसका कोफैक्टर। यहां पर देखो इसका i नंबर क्या है, यानी कि रो नंबर, जो B3 है वो हमारा थर्ड रो का एलिमेंट है, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और B3 ये सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो j इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो -1 to the power i + j, इट मींस 5 इंटू माइनर, राइट। -1 to the power 5 मींस -1, सो -1 into minor, ये हो जाएगा कोफैक्टर, राइट, -1 into minor, और माइनर हमने देखा है ये, सो इसमें हम माइनस यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, a 230 volt single phase domestic energy meter is connected to a constant resistive lamp load 4 ampere. It makes 2300 revolutions in 5 hours. What is meter constant in revolution per unit? ठीक है, इसमें देखिए कि एक resistive load है ना, resistive lamp given है, रेसिस्टिव लोड है, इट मींस इसका जो पावर फैक्टर होगा cos phi, इसको आप एज्यूम करोगे 1, cos phi इज 1, ओके, cos phi इज इक्वल टू 1। आपको करंट का, लोड करंट की वैल्यू गिवन है, i इज इक्वल टू 4 एम्पीयर। लोड जिस वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, जिस सप्लाई से कनेक्टेड है, उसका वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट, राइट। सो लोड कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, इसको यदि हम फाइंड आउट करें तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VI इनटू cos phi। 230 वोल्ट, 4 एम्पीयर का करंट, प्योरली रेसिस्टिव लोड, यानी कि cos phi इज इक्वल टू 1, कितना पावर हो जाएगा, 230 into 4, यानी कि 920, ये हो जाएगा 920 वॉट। 920 वॉट का पावर ये लोड लेगा, राइट। इसको यदि हम किलोवाट में लिखें तो ये हो जाएगा 0.92 किलोवाट, 0.92 किलोवाट का पावर ये लेगा। अब देखो इसने कहा है कि इट मेक्स 2300 रेवोल्यूशंस इन 5 आवर्स, 5 घंटा में इसने 2300 रेवोल्यूशंस किए हैं, तो 1 घंटा में कितना रेवोल्यूशन करेगा, है ना, रेवोल्यूशन इन 1 आवर, 1 घंटा में इसका जो रेवोल्यूशन है वो कितना होगा, 2300 divided by 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 460 रेवोल्यूशन ये करता है 1 आवर में, 1 घंटा में 460 रेवोल्यूशन करता है, और 1 घंटा में जो लोड है वो कितना पावर लेगा, लोड का पावर तो 0.92 किलोवाट है। अब 1 घंटा में एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, तो यदि मैं एनर्जी को फाइंड आउट करूं तो एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम, पावर है 0.92 किलोवाट, और टाइम यहां पर ले रहे हैं 1 आवर, राइट। तो एनर्जी यहां पर कितना हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा 0.92 किलोवाट आवर, यानी कि इसको हम लिखेंगे कितना, 0.92 यूनिट,
राइट, 0.92 यूनिट का एनर्जी ये लोड कंज्यूम करता है, राइट, एक घंटा में ये 0.92 किलोवाट लेता है पावर, यानी कि जो इसकी एनर्जी हो जाएगी वो 0.92 यूनिट हो जाएगा। तो 0.92 यूनिट जब ये कंज्यूम करता है उसके लिए ये 460 रेवोल्यूशंस करते हैं, राइट। तो 1 यूनिट एनर्जी के लिए कितना रेवोल्यूशन करेगा, यहां पर आप लिखिएगा, सो फॉर 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए जो रेवोल्यूशन हो जाएगा 460 डिवाइडेड बाय 0.92, इट मींस 500, 500, ओके। तो 500 रेवोल्यूशन होगा फॉर 1 यूनिट, 500 रेवोल्यूशन पर यूनिट, ये इस मीटर का कांस्टेंट हो जाएगा, मीटर कांस्टेंट, राइट, इन रेवोल्यूशन पर यूनिट। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में गिवन है 500, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिए, फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर -3t cos 5t, इसका लैपलेस निकालना है, ये है फंक्शन, इसका लैपलेस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम आप करोगे कि cos 5t जो फंक्शन है इसका लैपलेस निकालो। इसका लैपलेस निकालने के बाद इसमें प्रॉपर्टी यूज करो और ई रेज टू द पावर -3 से ई रेज टू द पावर -3t से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा फंक्शन आएगा उसका लैपलेस आप फाइंड आउट कर लोगे। ओके, यहां पर देखिए कॉस ऑफ 5t, इसका जो लैपलेस होगा वो हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा कॉस 5t का। उसके बाद इसमें जब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और ई रेज टू द पावर -3t इनटू कॉस 5t का लैपलेस फाइंड आउट करेंगे तो इसका लैपलेस क्या हो जाएगा, जो भी इस फंक्शन में, यहाँ ये जो हमारा लैपलेस फॉर्म है इसमें जहां भी आपको s दिखाई दे रहा है s को आप रिप्लेस करोगे किससे, s+3 से, क्योंकि यहां पर देखो यहां पर हमने यूज किया है e रे टू द पावर -3t, -3 है इसलिए वहां पर हम यूज करेंगे s को रिप्लेस करेंगे s+3 से। सो लैपलेस कितना हो जाएगा, यहाँ होगा s+3 डिवाइडेड बाय s+3 का होल स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, इट मीन्स 25, ये हो जाएगा लैपलेस। ओके, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर में s+3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, बाकी के ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन ए में है s-3, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है s-5, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में है s+5, ये भी नहीं होगा, राइट, एक ही ऑप्शन होगा। या तो आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, s+3 डिवाइडेड बाय s+3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा s² + 9 प्लस हो जाएगा 6s और प्लस हो जाएगा 25, इट मींस व्हाट, दिस इज s+3 डिवाइडेड बाय s² + 6s और प्लस हो जाएगा 25 + 9, इट मींस 34। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, ओके, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स और द प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग शेड्यूल ऑफ पावर स्टेशन, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए क्या पावर फैक्टर का जानना जरूरी है, एवरेज लोड का, लोड कर्व का, या इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन का। तो इसका आंसर होगा लोड कर्व का। यदि आपके पास लोड कर्व होंगे तो वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, राइट, लोड कर्व से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वहां से हमें पीक लोड कितना है वो पता चल जाता है, एवरेज लोड कितना है वो पता चल जाता है, लोड फैक्टर कितना होगा वो पता चल जाता है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें लोड कर्व से मिल जाता है, राइट। सो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फाइंड द डायनेमिक्स ऑफ द सर्किट, यहां पर सिंपली क्या करना है ना, यहां पर मैश एनालिसिस अप्लाई करना है, दो लूप हैं, दोनों लूप में मैश एनालिसिस अप्लाई करो, इक्वेशन आपको मिल जाएगा। देखो
यहां पर देखो, दिस इज लूप नंबर वन एंड दिस इज लूप नंबर टू. ओके, लूप नंबर वन में मेश एनालिसिस अप्लाई करते हैं. मेश एनालिसिस इन लूप नंबर वन. देखिए, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट पर से. ओके, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम मूव करेंगे. राइट, देखिए जो VT वोल्टेज है, वेट, इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हमारे टाइम डोमेन में नहीं है, लैपलेस डोमेन में है. तो सबसे पहले हम इसको लैपलेस में कन्वर्ट कर लेते हैं. राइट, लैपलेस में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद मैं यहां से सप्लाई करूं. तो यहां पर हम क्या करते हैं ना, इसको लैपलेस में कन्वर्ट कर लेते हैं. यहां पर देखो, जो इंडक्टर L है, L को आप क्या लिखोगे, यहां जो इंडक्टर L है, L को आप यहां से लिखोगे S इंटू L, क्योंकि इसका जो इंपेडेंस होगा वो हो जाएगा S इंटू L. राइट, जो रेसिस्टर R1 है वो ऐसे ही रहेगा, जो रेसिस्टर R2 है वो ऐसे ही रहेगा, जो हमारा कैपेसिटर C है, कैपेसिटर C हमारा टाइम डोमेन में होता है, और लैपलेस डोमेन में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस सी. तो इसका जो इंपेडेंस है वो हो जाएगा 1 अपॉन एस सी. ये इस कैपेसिटर का इंपेडेंस होगा. ओके, यहां पर देखो वोल्टेजेस हैं. राइट, एक ये वोल्टेज है VT, तो VT को आप क्या लिखोगे, VS लिख दो, S डोमेन में हम बात कर रहे हैं ना, तो VT को आप यहां से लिख दो VS. ओके, अब यहां पर दोनों लूप में हम अप्लाई करेंगे मैश एनालिसिस. ओके, लूप नंबर वन में देखिए, जो VS है, VS विल बी इक्वल टू हो जाएगा R1 में करंट फ्लो करता है I1. राइट, यहां पर I1S लिख दो, जो करंट IT है ना, ये टाइम डोमेन में है, इसको मैं लिख देता हूं I1S. राइट, और जो करंट हमारा I2 है, इसको हम लिख देते हैं I2S. राइट, दिस इज I2S एंड दिस वन इज I1S. ओके, तो R1 रेसिस्टर है, करंट फ्लो करता है I1S. उसके बाद इंडक्टर है, इंडक्टर का जो इंपेडेंस होगा वो हो जाएगा S into L. इसमें करंट कितना फ्लो करता है, SL में करंट कितना फ्लो कर रहा है, देखो I1 करंट और माइनस ऑफ I2 करंट. राइट, ये हो जाएगा I1S माइनस I2S. ओके, ये हो गया इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको ये मिल गया. इसको थोड़ा सा अगर आप अरेंज करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख लो, VS is equal to what, R1 into I1S, यहां पर हो जाएगा प्लस एस एल इंटू आई वन एस, माइनस हो जाएगा एस एल इंटू आई टू एस. ये हो जाएगा एक इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद दूसरे लूप में हम मैश एनालिसिस को अप्लाई करेंगे. मैश एनालिसिस इन लूप टू. लूप नंबर टू में मैश एनालिसिस को अप्लाई करना. देखिए, यहां पर R2 रेसिस्टर है जिसमें करंट फ्लो करेगा I2, सो यहां पर हम लिखेंगे R2 into I2S. उसके बाद जो कैपेसिटर है, इसमें करंट फ्लो करता है I2, तो 1 अपॉन एस सी into I2S. उसके बाद जो इंडक्टर है, इंडक्टर है S into L, इसमें करंट फ्लो करेगा I2 माइनस I1, सो This is I2S minus I1S. Yeah, this is equal to zero. इसको अगर आप अरेंज करना चाहते हो, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो. इसको आप अरेंज कर लो कैसे, देखो R2 into I2S और प्लस हो जाएगा 1 upon SC into I2S और प्लस हो जाएगा SL into I2S. माइनस हो जाएगा एस एल इंटू आई वन एस. दिस इज इक्वल टू जीरो. दिस इज इक्वेशन नंबर टू. ये है इक्वेशन नंबर टू. दोनों इक्वेशन को देख लो कि किस ऑप्शन के साथ मैच करते हैं, किस ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है. ओके, देख लेना कि कौन से ऑप्शन के साथ ये मैच करते हैं, उसके बाद उसको मार्क कर लेना. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू स्पेशल गॉसियन सरफेस. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्पेशल गॉसियन सरफेस के लिए रॉन्ग होगा.
देखिए ऑप्शन ए में क्या गिवन है, एट इच पॉइंट ऑफ द सरफेस डी इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा क्योंकि ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस नहीं होता है, राइट? ओके, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, डी इज सेक्शनली कॉन्स्टेंट ओवर दैट पार्ट ऑफ द सरफेस वेयर डी इज नॉर्मल, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन सी में गिवन है द सरफेस इज क्लोज्ड, यस। ऑप्शन डी में गिवन है एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस डी इज ईदर नॉर्मल और टेंजेंशियल टू द सरफेस, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन ए यहां पर इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही मार्क करने के लिए बोला है ना, इसने कहा है ना कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग कौन सा है, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, इसने कहा है डैश लिमिट्स द डीवी अपॉन डीटी अक्रॉस द स्विचिंग डिवाइस ड्यूरिंग डैश। तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं, यहां पर हम स्नबर सर्किट यूज करते हैं, डीवी बाई डीटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम यहां पर क्या यूज करते हैं, आरसी स्नबर सर्किट, आरसी सर्किट इसमें हम यूज करते हैं, एक रेसिस्टर होता है और इसके साथ सीरीज में एक कैपेसिटर होता है, आरसी सर्किट हम यूज करते हैं अक्रॉस द थायरिस्टर, ये हमारा है थायरिस्टर, राइट, दिस इज द थायरिस्टर, इस थायरिस्टर के अक्रॉस हम आरसी स्नबर सर्किट यूज करते हैं सो दैट ये डीवी अपॉन डीटी को लिमिट कर सके, और डीवी अपॉन डीटी के वजह से जो प्रॉब्लम आती है इसमें वो कब आती है, वो स्विचिंग के दौरान आती है कि जब आप थायरिस्टर को टर्न ऑन कर रहे हो, है ना, जब आप इसको टर्न ऑन कर रहे हो, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है ना कि ये जो हमारा थायरिस्टर है इसमें दो जंक्शंस ऐसे होंगे, मतलब जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करोगे यहाँ पर ये जो एनोड है एंड दिस इज कैथोड, एनोड को जब आप पॉजिटिव से सप्लाई दोगे और कैथोड को आप नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, वैसे केस में क्या होगा, इस थायरिस्टर के तीन जंक्शंस में से दो जंक्शन हमारे फॉरवर्ड बायस होंगे और एक जंक्शन होगा रिवर्स बायस, राइट, एक जंक्शन जो रिवर्स बायस होगा उसके अक्रॉस होगा वोल्टेज, वो जो रिवर्स बायस होगा वो वोल्टेज को ब्लॉक करके रखा होगा, राइट। अब आपने जब इसमें आपने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं होगा, है ना, जो रिवर्स बायस जंक्शन है उसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया और इस थायरिस्टर के अक्रॉस आपने एक वोल्टेज लगा दिया तो सडनली उस जंक्शन J2 के अक्रॉस डीवी बाई डीटी हाई हो जाता है ना, यानी कि जीरो टाइम में आपने ह्यूज वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो डीवी बाई डीटी हाई होने की वजह से उसमें क्या होता है, उसमें करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जो हमारा रिवर्स बायस जंक्शन होता है ना, रिवर्स बायस जंक्शन ये बिहेव करता है एज ए कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, और जो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा तो जो कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो करता है वो क्या होता है, जो करंट होगा कैपेसिटर का करंट आई ये हो जाता है सी डीवी अपॉन डीटी, और आपने क्या किया है ड्यूरिंग ऑन टाइम आपने क्या किया है डीवी बाई डीटी को इंक्रीज कर दिया, डीवी बाई डीटी जैसे ही इंक्रीज होगा तो करंट इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो करेगा, राइट, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जैसे ही उसमें फ्लो करेगा थायरिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा, है ना, फॉरवर्ड कंडक्शन में चला जाएगा, तो जब ये फॉरवर्ड कंडक्शन में चला गया तो ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दिया, ये कौन सी प्रॉपर्टी को लूज कर रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को इसने लूज कर दिया, है ना, क्योंकि थायरिस्टर की जो एक प्रॉपर्टी होती है कि फॉरवर्ड वोल्टेज को ये ब्लॉक भी करता है, राइट, तो इसने इस प्रॉपर्टी को लूज कर दिया बिकॉज इसने विदाउट गेट पल्स लिए, इसको अभी तक हमने कोई भी गेट पल्स नहीं दिया, जस्ट हमने इसके क्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई किया और थायरिस्टर हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला गया, इट मींस ये डायोड की तरह बिहेव करने लग गया, है ना, इसको तो गेट पल्स मिलने का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन डीवी बाई डीटी हाई होने की वजह से जो रिवर्स बाय जंक्शन है उसके थ्रू भी करंट फ्लो कर गया और हमारा थायरिस्टर ऑन हो गया,
तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं, तो इसी जो जो ये पूरा का पूरा सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं फॉल्स टर्न ऑन, क्योंकि अभी इसको टर्न ऑन नहीं होना था, हमने इसको अप्लाई तो किया है, वोल्टेज हमने इसको दिया है, बट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वोल्टेज देने के बाद भी ये ऑन ना हो जब तक कि हम इसको गेट पल्स ना दें, जब तक कि हम इसको गेट पल्स प्रोवाइड ना करें तब तक ये ऑन ना हो, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है इस थायरिस्टर से, लेकिन ये फॉल्स टर्न ऑन हो गया, राइट। तो इस फॉल्स टर्न ऑन से बचने के लिए हम क्या करते हैं ना, आरसी स्नबर सर्किट यूज करते हैं इसके साथ पैरेलल में, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहां पर आरसी स्नबर होगा, यहां पर स्नबर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये देखो लास्ट ऑप्शन में स्नबर के साथ लिखा हुआ नॉर्मल रनिंग कंडीशन। देखो नॉर्मल रनिंग कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग के टाइम पे होता है, तो टर्न ऑन टर्न ऑफ ऑफ द डिवाइस स्विचिंग के टाइम, राइट। तो स्विचिंग के टाइम ये होगा, राइट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। इस क्वेश्चन में कहा है कि टू प्रोटेक्ट द थायरिस्टर फ्रॉम हाई डीवी बाई डीटी, ये तो सेम क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड इन डैश विद द थायरिस्टर, यहां पर क्या यूज करना है, आरसी स्नबर सर्किट यूज करना है इन पैरेलल विद द थायरिस्टर, नॉट इन सीरीज, राइट। तो सीरीज नहीं होगा, आरसी स्नबर सीरीज में नहीं होगा, पैरेलल में होगा, ओके। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या कहा, अ जनरेटिंग स्टेशन हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 50 मेगावाट एंड डिलीवर्स 220 मेगावाट आवर पर एनम इफ द एनुअल फिक्स्ड चार्जेस आर 160 रुपीज पर किलोवाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड रनिंग चार्जेस आर 4 पैसे पर किलोवाट आवर, डिटरमिन द कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड। यहां पर देखो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितनी है, 50 मेगावाट का, और ये डिलीवर करता है पर एनम में 220 मेगावाट आवर की एनर्जी, राइट, इतनी एनर्जी वो डिलीवर करता है। तो एनर्जी जो डिलीवर करता है, इतनी एनर्जी वो डिलीवर कर रहा है, इट मींस इतनी एनर्जी वो जनरेट भी कर रहा होगा, राइट। जितनी एनर्जी जनरेट करेगा उतना ही तो डिलीवर करना पड़ेगा ना। तो यहां पर जो एनर्जी जनरेटेड है, एनर्जी जनरेटेड बाय द प्लांट, बाय द प्लांट, जो ये एनर्जी जनरेट करेगा वो हो जाएगा 220 मेगावाट आर पर एनम, यानी कि वन ईयर में ये इतनी एनर्जी को जनरेट करता है। अब जो रनिंग चार्जेस हैं, रनिंग चार्जेस मीन्स ये जो हमारा एनर्जी जनरेट हो रहा है उसके जो चार्जेस हैं वो है 4 पैसे पर किलोवाट आवर, यानी कि 1 यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए 4 पैसे का चार्ज है, राइट। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, एनर्जी जनरेट करने का जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा इसका, टोटल कॉस्ट, या फिर आप यहां पर लिख लो रनिंग चार्जेस, टोटल रनिंग चार्जेस कितने हो जाएंगे, 220 मेगावाट आर है, तो मेगावाट आर को यदि हम किलोवाट आर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 220 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोवाट आर इंटू हम करेंगे पर किलोवाट आर का जो कॉस्ट है वो है 4 पैसे, यानी कि 4/100 रुपीस, राइट। तो इतना इतना कॉस्ट हमारा आएगा, राइट, ये कितना हो जाएगा, इसको 220 इंटू 10 टू द पावर 3 है और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 8800, यानी कि 8800 रुपीस, ये आ गया इसका रनिंग कॉस्ट, ओके, रनिंग कॉस्ट ये आ गया। उसके बाद जो एनुअल फिक्स्ड चार्जेस हैं, फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं, 160 रुपीस पर किलोवाट इंस्टॉल्ड, किलोवाट नहीं होना चाहिए यहां पर, मेगावाट होना चाहिए, आई थिंक यहां पर मेगावाट होना चाहिए, मेगावाट इंस्टॉल्ड, राइट,
कितना इंस्टॉलेशन हुआ है? 50 मेगावाट का इंस्टॉलेशन है, राइट। जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है वो है 50 मेगावाट का। तो 50 मेगावाट का जो इंस्टॉलेशन है उसमें जो फिक्स्ड चार्जेस होंगे, फिक्स्ड चार्जेस 50 मेगावाट का है और जो चार्ज है वो कितना है, 160 रुपीज, 160 रुपीज पर मेगावाट है, ओके। तो यहां पर चार्ज हो जाएगा 160 × 50, यानी ये हो जाएगा 16 × 5, 800, ये आ गया 8000 रुपीज। 8000 रुपीज इसके होंगे फिक्स चार्जेस और जो रनिंग चार्जेस होंगे वो हो जाएगा 8800 रुपीज। सो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज दोनों को ऐड कर दो तो 16800 रुपीज, ये आ गया टोटल चार्ज, राइट। टोटल इतना कॉस्ट लग रहा है और इतना कॉस्ट लगने के बाद जो एनर्जी जनरेट की जा रही है या फिर जो जो सप्लाई किया जा रहा है एनर्जी वो कितना है, वो है 220 मेगावाट आवर। इतनी एनर्जी सप्लाई की जा रही है, इतनी एनर्जी को सप्लाई करने के लिए जो हमें कॉस्ट पड़ रहा है वो है 16800 रुपीज, इतना कॉस्ट हमें लग रहा है, राइट। तो पर यूनिट एनर्जी के लिए कितना कॉस्ट होगा, यही पूछा है ना, डिटरमिन द कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड। तो पर यूनिट एनर्जी के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, पर यूनिट मीन्स व्हाट, पर किलोवाट आवर, ये किलोवाट आवर में पूछ रहा है। तो जो एनर्जी है इसको हम किलोवाट आवर में लिखेंगे, एनर्जी ये हो जाएगा 220 × 10³ किलोवाट आवर, राइट। सो इतने किलोवाट आवर के लिए हमारा जो कॉस्ट है वो है 16800 रुपीज। सो 1 किलोवाट आवर के लिए कितना कॉस्ट आएगा, कॉस्ट पर किलोवाट आवर 16800 रुपीज डिवाइडेड बाय 220 × 10³ किलोवाट आवर, ओके। इसको कैलकुलेट कर लो, 16800 डिवाइडेड बाय 220, 76.36 × 10⁻³ हो जाएगा, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये हो जाएगा 0.076, ये आ गया 0.076 रुपीज, इतना इसका कॉस्ट आएगा पर किलोवाट आवर के लिए, यानी कि पर यूनिट का जो कॉस्ट है वो इतना आएगा। इसको यदि हम पैसे में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा, इसका जो पैसे का जो कॉस्ट आएगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7.6 पैसे पर यूनिट, 7.6 पैसे पर यूनिट, ये इसका हो जाएगा कॉस्ट, ओके। ऑप्शंस देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन में गिवन है, नियर अबाउट आंसर है ना, 8 पैसे, सो डी ऑप्शन को आप यहां पे मार्क करेंगे, ओके। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, देखिए, विद रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग इक्वेशन, x³ - 2x - 5 इज इक्वल टू 0, चूज द करेक्ट आंसर। यहां पर हमें क्या कहा है कि एक इक्वेशन है x³ - 2x - 5 इज इक्वल टू 0, इसके लिए करेक्ट आंसर हमें चूज करना है, और यहां पर हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है, और रूट गिवन है कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे और वो कहां पर लाई करेंगे, रूट कितने होंगे और कहां पर लाई करेंगे। देखो जो हमारा इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन है ना, x³ है, यानी कि 3 रूट्स होंगे इसमें। ऑप्शन ए में गिवन है 3 रूट्स, ऑप्शन बी में गिवन है 3 रूट्स, ऑप्शन सी में गिवन है 2 रूट्स, इसको हटा दो, ऑप्शन डी में गिवन है 3 रूट्स। तो ए बी और डी इन तीनों में से कोई एक होगा। अब इसने कहा है कि जो वन ऑफ द रूट्स शुड एग्जिस्ट इन बिटवीन 2 और 3, यहां पर है बिटवीन 2 और 3, यहां है 0 और 1, यहां पर है -2 - 3। तो दो पॉइंट के बीच में अगर किसी इक्वेशन का रूट लाई करता है, वहां एग्जिस्ट करता है, इट मींस व्हाट, इसका क्या मतलब है। देखो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं कि सपोज ये जो फंक्शन है इसको मैं लिखता हूं fx इज इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूं x³ - 2x - 5 इज इक्वल टू 0, ये एक फंक्शन है, राइट।
इसके तीन रूट्स होंगे। रूट होने का मतलब है कि अगर इसका तीन रूट है, यानी कि x की तीन वैल्यू आएंगी, एक आएगा x1, एक आएगा x2, एक आएगा x3। इट मींस जब आप x की जगह पर x1 पुट करोगे तो fx की वैल्यू जीरो मिलेगी, x की जगह पर x2 पुट करोगे तो भी fx की वैल्यू जीरो मिलेगी, x की जगह पर x3 पुट करोगे तो भी fx की वैल्यू जीरो मिलेगी। ये तीन ही पॉइंट हमें ऐसे मिलेंगे जिसके लिए fx की वैल्यू होगी जीरो, तो ये कहलाएगा रूट। इसका मतलब है कि यदि मैं fx और वर्सेस x एक ग्राफ में प्लॉट करूं, देखो दिस इज fx, fx वर्सेस x का मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो यहां पर हमें ये बताया जा रहा है कि इसमें तीन रूट्स होंगे x1, x2, x3। इट मींस इन तीनों ही पॉइंट के लिए, x1 के लिए भी, x2 के लिए भी और x3 के लिए भी, इन तीनों ही पॉइंट के लिए fx की वैल्यू होगी जीरो। fx की वैल्यू जीरो होने का क्या मतलब है कि वो x एक्सिस पर लाई करेगा, है ना। यहां पर देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा fx is equal to 0। इस पॉइंट पर देखो, ये भी fx is equal to 0। इस पॉइंट पर देखो, ये भी fx is equal to 0। यानी कि x एक्सिस का जो हर एक पॉइंट है उस पे fx की वैल्यू होगी जीरो, राइट। लेकिन इस इक्वेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ तीन ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके लिए fx की वैल्यू होगी जीरो। तो मैंने यहां पर तीनों पॉइंट लिख दिए। इनमें से ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो पॉइंट पॉजिटिव में हो, एक पॉइंट नेगेटिव में हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक नेगेटिव में हो, दो पॉजिटिव में हो, मतलब एक पॉजिटिव में हो, दो नेगेटिव में हो, या फिर तीनों पॉजिटिव में हो सकता है, तीनों नेगेटिव में हो सकता है, एक जीरो पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर जस्ट एज्यूम कर लिया कि तीन पॉइंट्स हमें ऐसे मिलेंगे, x1 और ये x2, एक x3, इन तीनों ही पॉइंट के लिए fx की वैल्यू होने वाली है जीरो, और इसीलिए ये तीनों होंगे इसके रूट्स। अब यहाँ पर एक चीज देखना कि अगर x1 और x2 दो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है, ध्यान से देखना, x1 पर भी फंक्शन की वैल्यू जीरो है, x2 पर भी फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि x1 और x2 के बीच में, x1 और x2 के बीच में जो फंक्शन हमारा है उसमें साइन चेंज होगा, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा, है ना। यानी कि अगर मैं ऐसा कहूं कि ऐसा है जो ग्राफ है वो हमारा ऐसा है, x1 पे आ गया, ऐसे कट किया, फिर ये ऐसे चला गया, उसका फिर ये ऐसे आ गया, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर जो x2 पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो x2 से पहले देखो तो ये फंक्शन हमारा नेगेटिव है और x2 के बाद ये फंक्शन पॉजिटिव है, ओके। तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया, या फिर आप ऐसे देखो कि x1 के पहले ये फंक्शन पॉजिटिव था और x1 के बाद हो गया नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। यानी कि अगर कहीं पर भी रूट है तो उससे पहले और उससे बाद फंक्शन की वैल्यू का जो साइन होगा वो चेंज होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है, ओके। अब यही चीज हमें इसमें चेक करना है। तो देखो, फर्स्ट में क्या कहा है कि जो रूट है वो लाई करता है 2 और 3 के बीच में, तो जब 2 और 3 के बीच में लाई करेगा तो x is equal to 2 पर जो वैल्यू होगी और जो x is equal to 3 पर जो वैल्यू होगी फंक्शन की, दोनों का साइन चेंज होगा, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, है ना, या फिर अगर जो पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा होगा। तो आप यहां पर क्या करो कि 2 पर वैल्यू को चेक करो, fx is equal to है x cube minus 2x minus 5, यहां पर x is equal to 2 पुट करो, x is equal to जब आप 2 पुट करोगे ये कितना हो जाएगा, 2 cube minus 2 into 2 minus हो जाएगा 5, ये कितना हो गया, ये हो गया 8 minus 4 minus 5, देखो 8 minus 4 minus 5 ये हो जाएगा negative, है ना, negative लिख देते हैं इसको। x is equal to 2 पर फंक्शन की वैल्यू है नेगेटिव, अगर x is equal to 3 पर फंक्शन की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे कि 2 और 3 के बीच में एक रूट लाई करेगा। यहां पर मैंने आपको बताया ना, ये
इस पॉइंट पर देखो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और इस पॉइंट पर यहां पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो जब दो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू में साइन चेंज नजर आता है तो उसके बीच में कहीं ना कहीं एक रूट होगा, राइट। अब चेक कर लेते हैं कि 3 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है क्या। तो एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करो, -2 × 3 -5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 - 6 - 5, यानी कि ये हो जाएगा 27 - 11, दिस इज पॉजिटिव। तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू है नेगेटिव, 3 पर फंक्शन की वैल्यू है पॉजिटिव, इट मींस इन दोनों के बीच में एक रूट होगा। ओके, ऑप्शन ए यहां से हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप चाहो तो इसका भी चेक कर सकते हो, 0 और 1 के बीच में और -2 - 3 के बीच में, इन दोनों ही ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा। दोनों ही ऑप्शन में ये हो सकता है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पुट करने पर ये अगर जो नेगेटिव है तो 1 पुट करने पर भी नेगेटिव होगा, या फिर 0 पुट करने पर अगर पॉजिटिव है तो 1 पुट करने पर भी पॉजिटिव होगा। इट मींस इन दोनों के बीच में कोई भी रूट लाई नहीं करेगा, राइट। सेम इसमें भी होगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज gs इज इक्वल टू s+1/s2+5s+10, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर मींस व्हाट, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा, जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होगा उसका, उसमें s का हाईएस्ट पावर देख लो, वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या है, s2+5s+10, इसका इसमें s का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2, राइट। लेकिन अगर आपसे टाइप पूछा होता तो टाइप फाइंड आउट करने के लिए अलग मेथड है, राइट। लेकिन ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं ना, डायरेक्ट देख के बताते हैं कि इसका ऑर्डर नंबर क्या है। ओके, ऑर्डर नंबर इज 2, ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन बी ऑर्डर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमिन द फंडामेंटल पीरियड ऑफ सिग्नल xt, xt इज इक्वल टू cos π/3t प्लस sin π/4t। एक पेरियोडिक सिग्नल है, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड हमसे इसने पूछा है कि क्या होगा। देखो इसमें दो पेरियोडिक सिग्नल हैं, एक पेरियोडिक सिग्नल यह है और दूसरा पेरियोडिक सिग्नल यह है। दोनों ही पेरियोडिक सिग्नल के लिए ओमेगा और टाइम पीरियड को हम फाइंड आउट कर लेंगे, अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। देखो इसका जो ओमेगा है, इसको मैं लिखता हूं ω1, है ना, ये हमारा सिग्नल 1 है, इसका ओमेगा ω1, ω1 कितना है π/3। दूसरा सिग्नल का मैं लिखता हूं ω2, ये कितना हो जाएगा π/4। फर्स्ट सिग्नल का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, इसको मैं लिखता हूं t1, t1 क्या हो जाएगा 2π/ω1, यानी कि 2π/ω1 कितना है π/3, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 6 सेकेंड। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 6, फर्स्ट सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो है 6। दूसरे सिग्नल का टाइम पीरियड कितना होगा, t2 हो जाएगा 2π/ω, यानी कि दिस इज π/4, इट मींस ये हो जाएगा 8 सेकेंड, है ना, t2 इज इक्वल टू व्हाट 8 सेकेंड। तो एक सिग्नल है जिसका टाइम पीरियड है 6 सेकेंड, दूसरा सिग्नल है जिसका टाइम पीरियड है 8 सेकेंड, और ओवरऑल फंडामेंटल पीरियड हमें इसे इस सिग्नल का फाइंड आउट करने के लिए बोला है, जबकि दोनों सिग्नल को ऐड किया गया है, राइट। तो जब दोनों सिग्नल को यहां पर ऐड किया गया है तो इसका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड वो कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ फर्स्ट का टाइम पीरियड एंड सेकेंड का टाइम पीरियड, दोनों का एलसीएम ले लो, इट मींस एलसीएम ऑफ 6 सेकेंड एंड 8 सेकेंड, 6 और 8 का एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाएगा 24 ना, एलसीएम ऑफ दिस इज 24,
ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज डैश फील्ड एंड इट्स डेंसिटी डी इज अ डैश फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये जस्ट एक नंबर है, राइट? ये एक नंबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि एक एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से ये परपेंडिकुलर जो पास करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसका वो नंबर है, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। इसमें भी स्केलर है, इसमें भी स्केलर है, लेकिन जो डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो होगा वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको मार्क करेंगे आप, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फाइंड द केवीएल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सर्किट। वेरी सिंपल, यहां पर केवीएल इक्वेशन को लिखो, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। देखो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करेंगे यहां से, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चलेंगे, ठीक है? करंट के डायरेक्शन, देखो यहां पर करंट का डायरेक्शन किधर है, ऐसे, तो करंट के डायरेक्शन में हम यहां से मूव करेंगे। वोल्टेज राइज को मैं यहां पर लिख रहा हूं पॉजिटिव, तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, यहां पर पॉजिटिव लिख रहा हूं, आप चाहो तो नेगेटिव भी ले सकते हो। तो अगर आप वोल्टेज राइज को नेगेटिव लिखोगे तो वोल्टेज ड्रॉप को आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। मैं यहां पर वोल्टेज राइज को पॉजिटिव लिखूंगा तो वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लिखूंगा, ठीक है? आप अपोजिट भी ले सकते हो, ठीक है? यहां से देखिए, ये हो जाएगा प्लस वी ए, R1 रेसिस्टर है जिसमें कि करंट फ्लो करता है I, सो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप को मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव माइनस R1 इंटू I। उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप इसमें हुआ है माइनस VB। उसके बाद R2 रेसिस्टर है जिसमें करंट फ्लो करता है I, इसमें होगा वोल्टेज ड्रॉप माइनस R2 इंटू I। उसके बाद R3 रेसिस्टर है जिसमें करंट फ्लो करता है I, इसमें होगा वोल्टेज ड्रॉप तो माइनस R3 इंटू I। This is equal to zero. Okay? यहां से देखो VA minus of VB, this will be equal to क्या हो जाएगा? ये तीनों जो terms हैं, इसको right hand side लेके चले जाएंगे, तो I हमारा common आ जाएगा और क्या लिखेंगे हम? R1 plus R2 plus R3. ये हो जाएगा VA minus VB. Option देख लीजिए, VA minus VB is equal to I into R1 plus R2 plus R3. It means option C. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स इज नॉट अ पेरियोडिक सिग्नल। इनमें से कौन सा सिग्नल हमारा पेरियोडिक सिग्नल नहीं है? देखिए दो सिग्नल यहां पर डिस्क्रीट टाइम में गिवन है, दिस इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, और दो सिग्नल हमारा कॉन्टिन्यूअस टाइम का है, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल, राइट? दोनों ही सिग्नल में, डिस्क्रीट टाइम और कॉन्टिन्यूस टाइम में, जो जो पेरियोडिसिटी होती है उसको चेक करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट? यहां पर क्या करेंगे ना कि जो हमारा ये है xn है, xn, और देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को देखो, इन दोनों में ही क्या होगा ना, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में अगर जो फ्रिक्वेंसी है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी है उसमें पाई का टर्म अगर मौजूद है तो इट मींस वो सिग्नल हमारा पेरियोडिक सिग्नल होगा। यहां पर देखो जो हमारा फर्स्ट सिग्नल है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है पाई अपॉन 8, फ्रीक्वेंसी में पाई मौजूद है, इट मींस ये होगा पेरियोडिक सिग्नल। यहां पर देखो दिस इज आल्सो पाई बाय 3, इसमें पाई मौजूद है इसकी फ्रीक्वेंसी में, ये होगा पेरियोडिक, और दिस इज पाई बाय 4, ये भी होगा पेरियोडिक। अब देखो ये सिग्नल अलग है, cos पाई बाय 3 n, ये सिग्नल अलग है, ये अलग से एक पेरियोडिक सिग्नल है, और एक दूसरा ये भी पेरियोडिक सिग्नल है, दोनों को ऐड किया गया है, राइट? दोनों को ऐड किया गया है, और ऐड करने के बाद क्या ये सिग्नल पेरियोडिक होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ये एक डिफरेंस है कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, वो क्या है कि कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल में अगर दो सिग्नल अलग अलग वो पेरियोडिक हैं, है ना? दो सिग्नल है, एक है x1 दूसरा है x2,
एक्स वन भी पेरियोडिक है, एक्स टू भी पेरियोडिक है, लेकिन जब हमने दोनों को ऐड किया है तो ये जरूरी नहीं होगा कि वो उसका जो एडिशन है, एडिशन होने के बाद जो एक नया सिग्नल बनेगा वो भी पेरियोडिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल, राइट। तो कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए ये चेक करना होता है कि जो फर्स्ट सिग्नल है x1 है उसका टाइम पीरियड और जो दूसरा सिग्नल है x2 उसका टाइम पीरियड, अगर उन दोनों के टाइम पीरियड का जो रेशियो है अगर वो रेशनल है, रेशनल नंबर है उसका रेशियो, उसके टाइम पीरियड का रेशियो अगर जो रेशनल नंबर है तब हम कहेंगे कि वो जो हमारा फंक्शन होगा, वो जो सिग्नल होगा वो पेरियोडिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन डिस्क्रीट टाइम में नहीं होती है। डिस्क्रीट टाइम में दो सिग्नल अलग अलग अगर जो पेरियोडिक है उसको आप ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली वो सिग्नल भी हमारा पेरियोडिक सिग्नल होगा। तो इसीलिए जो हमारा cos pi by 3 n है, ये सिग्नल तो हमारा पेरियोडिक है। ये सिग्नल पेरियोडिक हमने कैसे चेक किया, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर देखो पाए मौजूद है, तो जब पाए मौजूद है तो ये हमारा हो जाएगा, ये पेरियोडिक सिग्नल होगा। उसी तरीके से जो हमारा ये सिग्नल है ये भी पेरियोडिक है। दोनों पेरियोडिक सिग्नल को यहाँ पर ऐड किया गया है तो उसका जो एडिशन है वो भी हमारा पेरियोडिक होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये दोनों तो चलो पेरियोडिक हो गया। उसके बाद अब दो सिग्नल हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल। देखो लास्ट वाला देखो कॉस टी है, इसमें हमने क्या किया, टाइम शिफ्ट किया है, तो टाइम शिफ्ट करने से पेरियोडिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। cos t हमारा पेरियोडिक होता है तो cos t plus pi by 4 ये भी पेरियोडिक होगा, ओके ये दोनों पेरियोडिक होगा, तो ये भी हमारा पेरियोडिक हो गया। अब हम जो c ऑप्शन में है सिग्नल उसको चेक करेंगे कि क्या ये पेरियोडिक है, इसको हमें चेक करना है। देखिए देखिए xt गिवन है cos t प्लस sin रूट टू टी, एक सिग्नल ये है इसको मैं बोल देता हूं कि दिस इज एक्स वन टी, और एक सिग्नल ये है इसको मैं बोल देता हूं एक्स टू टी। एक्स वन टी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैं बोलूंगा ओमेगा वन, इसकी फ्रीक्वेंसी है वन। दूसरी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है रूट टू, राइट। तो या तो आप इसका टाइम पीरियड निकाल लो और टाइम पीरियड का रेशियो देखो कि वो रेशनल नंबर है या फिर नहीं है, या फिर आप टाइम पीरियड मत निकालो, आप इसकी जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी का रेशियो देख लो। तो इसका यदि हम फ्रीक्वेंसी का रेशियो देखें, ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा रूट टू बाई वन, इट मीन्स रूट टू। रूट टू हमारा क्या रेशनल नंबर है, नहीं है, रूट टू इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ये। तो जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो इन दोनों का एडिशन हमारा पेरियोडिक सिग्नल नहीं होगा। दिस सिग्नल इज नॉट अ पेरियोडिक सिग्नल, नॉट अ पेरियोडिक सिग्नल। लेकिन ये दोनों सिग्नल इंडिविजुअल ये पेरियोडिक है, जो हमारा एक्स वन टी है ये भी पेरियोडिक है, जो एक्स टू टी है ये भी पेरियोडिक है, लेकिन दोनों को हमने जैसे ही ऐड किया तो इसका जो ओवरऑल सिग्नल बना है एक्स टी वो हमारा पेरियोडिक सिग्नल नहीं होगा। और इसमें यही फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि नॉट अ पेरियोडिक सिग्नल, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू विच आर सेपरेटली बाय डिस्टेंस ऑफ आर इज गिवन एज व्हाट। Q1 और Q2 के बीच में जो चार्ज हो, जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा कितना होगा, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, राइट। देख लो इसमें यहां पर लिखा हुआ R क्यूब नहीं होगा, यहां पर इस ऑप्शन में के मिसिंग है नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 पाई है, इसमें एप्सिलॉन मिसिंग है नहीं होगा। ये देखो ऑप्शन बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट देखिए ये, अ पावर स्टेशन हैज द फॉलोइंग डेली लोड साइकिल, डेली लोड साइकिल हमें दिया गया है।
और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमिन इट्स एवरेज लोड। एवरेज लोड को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको आपको यहाँ पर करना होगा कि एनर्जी को फाइंड आउट कर लो, और एनर्जी को फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करो, टाइम से डिवाइड कर लो, वो हो जाएगा पावर, यानी कि एवरेज लोड, राइट। देखो ये जो कर्व है वो हमारा ऐसा है कि 0 to 8 hours के लिए लोड हमारा है 20 megawatt, उसके बाद 8 से लेकर 12 तक लोड है 40 megawatt, 12 से लेकर 16 तक लोड है 60 megawatt, उसके बाद 16 से लेकर 20 आवर्स तक लोड है 20 megawatt, उसके बाद 20 से लेकर 24 आवर्स तक लोड है 50 megawatt, राइट। सो यहाँ पर एनर्जी कितना होगा, एनर्जी हो जाता है पावर इनटू टाइम, तो आपको पावर गिवन है, आपको टाइम ड्यूरेशन गिवन है, राइट। सो एनर्जी को फाइंड आउट कर लीजिए, एनर्जी, या फिर डायरेक्ट हम एवरेज लोड को ही फाइंड आउट करते हैं, एनर्जी बाय टाइम, पी एवरेज, एवरेज लोड। यहाँ पर देखो एनर्जी को फाइंड आउट करो, फर्स्ट ड्यूरेशन में यहाँ पर 20 मेगावाट का लोड है 8 आवर्स के लिए, सो 20 into 8 एनर्जी हो गई। दूसरा दूसरा जो जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें क्या है, 40 मेगावाट का लोड है और 8 to 12 यानी कि 4 आवर्स के लिए, तो प्लस हम करेंगे 40 into 4 प्लस। नेक्स्ट 12 आवर्स से लेकर 16 आवर्स तक यानी कि 4 आवर्स के लिए ये हो जाएगा 60 मेगावाट, सो 60 into 4 एनर्जी। और प्लस नेक्स्ट हमारा क्या है, 16 टू 20 के लिए यानी कि 4 आवर्स के लिए जो लोड कनेक्टेड है वो है 20 मेगावाट का, तो क्या हो जाएगा, 20 into 4 एनर्जी हो गया। नेक्स्ट देखो 20 से 24 के लिए एनर्जी कितनी होगी, जो लोड है वो है 50 मेगावाट का यहाँ पर लोड है, सो 50 into 4 ये हो गया टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे टाइम से, सो टाइम ड्यूरेशन टोटल कितना है, 24 hours डिवाइडेड बाय 24, इसको कैलकुलेट कर लो, यही हो जाएगा एवरेज लोड, 20 into 8 160 प्लस 40 into 4 160 प्लस 240 प्लस 80 प्लस 200 840 ये हो जाएगा कितना, दिस इज 840 मेगावाट आर डिवाइडेड बाय 24 आर, सो इसको डिवाइड करेंगे 24 से, ये हो जाएगा 35। व्हाट इज दिस, दिस इज 35 मेगावाट, 35 यानी कि ऑप्शन सी, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये द एनुअल लोड फैक्टर ऑफ अ पावर स्टेशन इज 40% एंड इट्स मैक्सिमम डिमांड इज 100 मेगावाट, डिटरमिन द एनर्जी जनरेटेड इन अ ईयर। यहां पर लोड फैक्टर गिवन है 40%, लोड फैक्टर इज इक्वल टू 40%, 40% इसका लोड फैक्टर है यानी कि 0.4, ठीक है। उसके बाद जो मैक्सिमम डिमांड है, पी मैक्स मैक्सिमम डिमांड है 100 मेगावाट, तो एवरेज, पी एवरेज, एवरेज लोड कितना हो जाएगा, एवरेज लोड हो जाएगा 100 मेगावाट इंटू लोड फैक्टर, यानी कि 40% है ना, तो दिस यानी ये हो जाएगा कितना, 40 मेगावाट, 40 मेगावाट इसका एवरेज लोड हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी जनरेटेड, एनर्जी को फाइंड आउट करना है, एनर्जी मीन्स व्हाट, पावर इनटू टाइम, जो एवरेज पावर आया है, एवरेज जो लोड आया है उसमें हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितने टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसने पूछा है कि एनर्जी जनरेटेड इन वन ईयर, इन अ ईयर, तो वन ईयर में, इन वन ईयर में 365 days होते हैं, राइट, 365 days, इट मीन्स आवर्स कितने होंगे, 365 into 24 hours, इतने आवर्स हो जाएंगे, ओके। तो इतने आवर्स से जब हम इस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगा, है ना। सो एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, जो हमारा पावर है 40 मेगावाट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
365 इंटू 24 से कितने आवर्स, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा 40 इंटू वॉट 365 इंटू 24, 365 इंटू 24 कर दोगे तो ये हो जाएगा 8760, दिस इज 8760, ये हो गया 40 इंटू 8760 मेगावाट आर, इतनी एनर्जी हो जाएगी। ऑप्शंस देख लीजिए, बी ऑप्शन में गिवन है, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिराइव्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द कूलम इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्ज द कूलम इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। ओके तो हम चार्ज को कैसे लिखते हैं, जो हमारा चार्ज होता है इसको हम डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी आई डी टी, राइट। यदि आपके पास करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तो उसको आप इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि एरिया निकाल देना, यदि आप उसका एरिया निकाल देते हो तो वही हमारा चार्ज हो जाता है। अगर आपको यहाँ पर करंट कांस्टेंट गिवन है, अगर कांस्टेंट करंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, है ना, जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, तो आई हो जाएगा इधर और जीरो टू टी डी टी। सो जीरो टू टी डी टी इट मीन्स वॉट, डी टी का इंटीग्रेशन टी और इसमें हम लिमिट पुट करेंगे जीरो से टी तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा आई इंटू टी, आई इंटू टी। तो इसलिए तो हम लोग यूज करते हैं ना कि क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, राइट। आई क्या है, आई इज करंट, यूनिट क्या होगा एम्पियर, और यहाँ पर जो टाइम है ध्यान रखना, यहाँ पर टाइम, टाइम का यूनिट आपको यूज करना है सेकेंड, राइट, टाइम का यूनिट आपको सेकेंड यूज करना है, ना ही मिनट ना ही आर, ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड होगा। ओके क्योंकि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये होता है एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, तो एक ही ऑप्शन है एम्पियर इंटू सेकेंड, एक ही ऑप्शन है। यदि यहाँ पर देखो ऑप्शन बी में क्या है ना, इसमें तो मीटर गिवन है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, बेवजह के ऑप्शंस हैं, मीटर इसमें भी मीटर, मिनट होता तो चलो ठीक है, अगर यहाँ पर मिनट होता जैसे कि ऑप्शन सी है ना एम्पियर मीटर, मीटर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये अगर जो ऐसा लिखता कि एम्पियर मिनट तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप यहाँ पर क्रिएट होता, या फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है एम्पियर पर सेकेंड, चलो ये ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा करता कि एम्पियर इंटू आर, आर कर देता है ना, तो थोड़ा सा सही सा आंसर बनता। ओके ऑप्शन हमारे तब थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले होते, यहाँ पर तो क्लियर है कि एम्पियर सेकेंड इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके सो इट्स ऑल अबाउट द क्लास, आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 61 है वहां से हम फिर स्टार्ट करेंगे। ओके थैंक यू।